एग्जाम विद्यालय को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। जय हिंद। जय हिंद साथियों, मैं राज आपके YouTube चैनल एग्जाम विद्यालय में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। आज का आपका टॉपिक है बहुत इंपॉर्टेंट, नागरिकता संशोधन बिल 2019 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको दिए गए हैं इस वीडियो में। तो वीडियो अंत तक जरूर देखें, क्योंकि आपको भी पता है 1 से 2 आपके इस टॉपिक से एग्जाम में जरूर आपको क्वेश्चन मिलेंगे। और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इसमें जो भी आपको क्वेश्चन दिए गए हैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, ये आपके एग्जाम में जरूर आएंगे। ठीक है, अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, कैब का पूर्ण रूप क्या होता है? ए ऑप्शन है आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, बी ऑप्शन है सिटीजन अमेंडमेंट बिल, सी ऑप्शन है सिटी अमेंडमेंट बिल, और डी ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा बी, आपका सिटीजन अमेंडमेंट बिल CAB होता है। ठीक है, और ये जो आपका सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट होता है वो क्या होता है? CAA, क्या होता है? CAA, जो हमारे पहले तो ये बिल होता है, जब तक राष्ट्रपति अपने सिग्नेचर नहीं करता, राष्ट्रपति पास नहीं करता, जब तक एक्ट नहीं बनता है। अब ये एक्ट हो चुका है, तो ये कौन सा होगा? सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, ये हो क्या होगा? CAA, राष्ट्रपति के सिग्नेचर करने के बाद। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सेकंड क्वेश्चन आता है आपके लिए, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा के पक्ष में कितने वोट पड़े? आपका ए ऑप्शन है 310, बी ऑप्शन है 299, सी ऑप्शन है 300, और डी ऑप्शन है 311। तो इसका सही आंसर क्या होगा? डी, 311 आपके नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत लोकसभा के पक्ष में पड़े थे। अच्छा, विपक्ष में कितने पड़े थे? विपक्ष में कितने पड़े थे? विपक्ष में मुझे बताइए कितने पड़े थे? विपक्ष में पड़े थे आपके 80 वोट पड़े थे। लोकसभा में कितने वोट पड़े थे? विपक्ष में 80 वोट पड़े थे। तो टोटल कितने वोट पड़े थे उस दिन लोकसभा में? 391 वोट पड़े थे। अच्छा, मुझे राज्यसभा के बताइए, राज्यसभा के बताइए पक्ष में कितने पड़े थे? राज्यसभा के, राज्यसभा के पड़े थे आपके पक्ष में 125, और विपक्ष में कितने पड़े थे? विपक्ष में कितने पड़े थे आप मुझे बताइए? विपक्ष में पड़े थे 95, और टोटल कितने पड़े थे आपके? टोटल कितने पड़े थे? 220, 220 लोग राज्यसभा में आपके टोटल वोट पड़े थे। पक्ष में पड़े थे आपके कितने? 125, और आपके विपक्ष में पड़े थे 95। ठीक है, और राज्य लोकसभा में कितने पड़े थे? लोकसभा में पड़े थे पक्ष में 311, विपक्ष में पड़े थे 80। कितने पड़े थे? 80, और टोटल कितने पड़े थे? 391। इंपॉर्टेंट फैक्ट है आपके एग्जाम के लिए, जरूर याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट आपके लिए आता है, लोकसभा में नागरिक संशोधन बिल को कब पास किया गया? ए ऑप्शन है आपका 10 दिसंबर 2019, बी ऑप्शन है 15 दिसंबर 2019, सी ऑप्शन है आपका 9 दिसंबर 2019, और डी ऑप्शन है आपका 8 दिसंबर 2019। तो सही आंसर क्या होगा इसका? सी, लोकसभा में ये कब बिल पारित हुआ था? ये हुआ था आपका, पास हुआ था 9 दिसंबर 2019 में। कब पास हुआ था? 9 दिसंबर 2019 में। अच्छा, राज्यसभा में कब पास हुआ था? राज्यसभा में कब पास हुआ था? तो ये राज्यसभा में हुआ था 11 दिसंबर 2019 में। कब हुआ था? 11 दिसंबर 2019 में। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट आपके लिए आता है, फोर्थ क्वेश्चन है आपके लिए, नागरिक संशोधन बिल द्वारा किन देशों के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किया गया है? ए ऑप्शन है पाकिस्तान, बी ऑप्शन है अफगानिस्तान, सी ऑप्शन है आपका बांग्लादेश, और डी ऑप्शन है आपका उपर्युक्त तीनों सभी। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा इसका सही आंसर क्या होगा? डी, उपर्युक्त सभी पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का फैसला किसने किया? भारत सरकार ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं आपके लिए, नेक्स्ट आपका फिफ्थ क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल कितने अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा? ए ऑप्शन है आपका 5, बी ऑप्शन है आपका 7, सी ऑप्शन है 6, और डी ऑप्शन है आपका 4। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी, 6, 6, कितने? 6 अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान करेगा। कौन करेगा? भारत सरकार। अच्छा, ये 6 है कौन कौन? तो नोट कीजिएगा, हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी, ईसाई। कौन है? हिंदू, सिख,
बौद्ध, जैन, पारसी और कौन है बताइए मुझे, अभी बताया था मैंने, ईसाई। कौन है? ईसाई। हिंदू, सिख, जैन, बौद्ध, पारसी, ईसाई, इन छहों को, अल्पसंख्यक समुदायों को नागरिकता प्रदान कौन करेगा? भारत सरकार। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सिक्स क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल पहली बार कब लाया गया था? ए ऑप्शन है आपका 1948, बी ऑप्शन है 1950, सी ऑप्शन है आपका 1955 और डी ऑप्शन है 1956। तो बताइए कब लाया गया था? बी ऑप्शन आपका बिल्कुल ठीक है, 1950 में आपका पहली बार लाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है आपके लिए, सेवन क्वेश्चन आता है आपके लिए, नागरिक संशोधन बिल कितने राज्यों में नहीं लागू हुआ है? कितने राज्यों में नहीं लागू होगा? तो ये होगा आपका, ए ऑप्शन है 5, बी ऑप्शन है 7, सी ऑप्शन है 8 और डी ऑप्शन है आपका कौन सा है आपका 3। तो इसका सही आंसर मुझे बताइए आप, तो इसका सही आंसर होगा बी, 7 राज्यों में नागरिक संशोधन बिल क्या लागू नहीं होगा। ठीक है, अच्छा ये 7 राज्य कौन कौन से हैं? तो पहला लिख लीजिए, कौन सा है? नागालैंड। पहला है नागालैंड, दूसरा है आपका मिजोरम, मिजोरम, तीसरा है आपका मणिपुर, चौथा है आपका त्रिपुरा, पांचवा है आपका असम, छठा है आपका मेघालय और सातवां है आपका आंध्र प्रदेश। कौन सा है? आंध्र प्रदेश। ठीक है, तो आप बताइए मुझे कितने हैं? 7 राज्य हैं आपके, पहला नागालैंड, मिजोरम, मणिपुर, त्रिपुरा, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश। इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा, अगर आपको याद नहीं होते हैं एग्जाम टाइम में जरूर दोबारा वीडियो देख के जाइएगा, अपने एक नोटबुक में आप नोट कर लीजिएगा, ये आपके नोट्स हैं बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, 8th क्वेश्चन आता है आपके लिए, नागरिक संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? ए ऑप्शन है 31 दिसंबर 2014, बी ऑप्शन है आपका 15 अगस्त 2016, सी ऑप्शन है 26 जनवरी 2019 और डी ऑप्शन है 31 दिसंबर 2019। तो बताइए कब से नागरिकता संशोधन बिल के अंतर्गत किस तारीख से भारत आने नागरिकों को नागरिकता प्रदान की जाएगी? तो इसका सही आंसर क्या होगा आपका? बिल्कुल ठीक है, ए ऑप्शन 31 दिसंबर 2014 से पहले भारत आए लोगों को नागरिकता प्रदान की जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, 9th क्वेश्चन है, नागरिक संशोधन बिल 2019 लोकसभा में पास होने वाला कौन सा संशोधन बिल है? बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम के लिए क्वेश्चन है ये, जरूर याद रखिएगा। ए ऑप्शन है 128, बी ऑप्शन है आपका 129, सी ऑप्शन है 126 और डी ऑप्शन है आपका 131। तो ये कौन सा बिल है, संशोधन बिल, बताइए मुझे। इसका सी आंसर बिल्कुल ठीक होगा, 126 संशोधन बिल है। कौन सा बिल है? 126, लोकसभा में पास होने वाला। ठीक है, तो मैं बताना चाहूंगा, ये मुझे बताइए, संशोधन हमारे जो, हमारा जो संविधान है उसमें हमने संशोधन कहाँ से लिया है, हमने संशोधन कहाँ से लिया है बताइए मुझे। तो ये लिया हमने दक्षिण अफ्रीका से। कहाँ से लिया है? दक्षिण अफ्रीका से। ठीक है, संशोधन जो हमारा होता है वो हमने कहाँ से लिया था? दक्षिण अफ्रीका से लिया था। नेक्स्ट है आपका, 10th क्वेश्चन है आपके लिए, नागरिक संशोधन बिल के तहत प्रवासियों को नागरिकता किस प्रक्रिया से मिलेगी? ए ऑप्शन है आपका वंशानुक्रम, रक्त आधार पर, बी ऑप्शन है आपका पंजीकरण द्वारा नागरिकता, सी ऑप्शन है आपका देशीकरण द्वारा नागरिकता और डी ऑप्शन है क्षेत्र समविष्टि द्वारा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा आपका देशीयकरण द्वारा नागरिक, देशीयकरण द्वारा नागरिकता, द्वारा नागरिकता दी जाएगी किसको? प्रवासियों को। किस प्रक्रिया द्वारा? देशीयकरण द्वारा नागरिकता। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए, कि ये बताइए मुझे, नागरिकता अधिनियम 1955 में कितनी बार संशोधन हो चुका है? ए ऑप्शन है आपका 7, बी ऑप्शन है आपका 6, सी ऑप्शन है आपका 5 और डी ऑप्शन है आपका 4। तो बताइए कितनी बार हो चुका है संशोधन
कौन से अधिनियम में 1955 में? तो इसका सही आंसर क्या होगा? बी, 6 बार संशोधन हो चुका है। अच्छा बताइए 6 बार कैसे हो चुका है? पहली बार हुआ था, कब हुआ था पहली बार? 1986 में हुआ था। उसके बाद कब हुआ था? 1992 में हुआ था। तीसरी बार कब हुआ था? 2003 में हुआ था। चौथी बार कब हुआ था? 2005 में हुआ था। पांचवी बार कब हुआ था? 2015 में हुआ था। और छठी बार अब कब हुआ है? 2019 में हो चुका है। तो कितनी बार हुआ है? नागरिकता अधिनियम 1955 कितनी बार हो चुका है? एक तो बार हो चुका है, 1986, 1992, 2003, 2005 और फिर क्या हुआ है? 2015 और 2019, ये छठी बार हुआ है। तो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, जरूर याद रखिएगा। वीडियो कैसी लगे मैं कमेंट करके जरूर बताएं। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर देखने को मिलेंगे, ठीक है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दिए गए हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले जाके सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। और वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, ठीक है? और कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि वीडियो कैसी लगी। और ये अगर आप एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो आप पहले इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, उसके बाद एग्ज़ाम देने जाइए, क्योंकि इसमें से आपको एग्ज़ाम में 1 से 2 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे, जरूर आएंगे इस बार। थैंक यू फॉर वॉचिंग, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।